अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग योर ऑनलाइन क्लासेस एंड फोकसिंग ऑन योर एग्जाम्स एंड स्टडीज़। वेलकम बैक टू माई चैनल अनोन स्टडीज़। माई नेम इज़ खिजरा तारिक। सो नंबर 1.9 ऑन पेज नंबर 14 की स्टेटमेंट है, इन अ इंडस्ट्री ऑफ कॉपर, कॉपर मेटल वॉज प्रिपेयर बाई द फॉलोइंग रिएक्शन। जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर हमें मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है वो 0.392 है। ये एक्चुअल यील्ड हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी और फिर उसके बाद हमें परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। तो हम डेटा लिख लेते हैं, यहाँ पर डेटा में हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है, एक्चुअल यील्ड यील्ड वो है 0.392 ग्राम और हमें मास ऑफ सी, मास ऑफ CuSO4 दिया हुआ है वो है 1.274 ग्राम। और हमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, इसका फॉर्मूला हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है, हमें थ्रेटिकल यील्ड फाइंड करनी है फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रेटिकल यील्ड का मैं सबसे पहले फार्मूला लिख रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आ रहा है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कौन सा, किसकी फाइंड करनी है थ्रेटिकल यील्ड, कॉपर की। तो यहाँ पर Cu का मोलर मास यूज़ करेंगे और मोल्स भी Cu के यूज़ करेंगे। और वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसमें जो हमें थ्रेटिकल और एक्चुअल यील्ड वाला फॉर्म अगर क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले हमें उसमें मास दिया हुआ होगा, मास दिया हुआ होगा या मोल्स दिए हुए होंगे, इसमें से कुछ भी दिया हुआ होगा। तो अगर मास नहीं दिया हुआ, अगर मास दिया हुआ है तो उसे सबसे पहले हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करके करने के बाद उनका स्टोइकोमेट्री वाला प्रोसेस करेंगे या उनकी कंपैरिजन करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन। फिर उसके बाद उसमें से हमारे पास जो भी जिसका भी हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना था उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर हम उसका मास फाइंड करेंगे, मास फाइंड करने के बाद हमारे पास थ्रेटिकल यील्ड आ जाएगी। और अगर सिर्फ हमें मोल्स दिए हुए होंगे, मोल्स वाले प्रोसेस में हम इधर से स्टार्ट करेंगे, मोल्स वाले से स्टार्ट करेंगे। सही है, तो इसमें से हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं थ्रेटिकल यील्ड, थ्रेटिकल यील्ड मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास करके थ्रेटिकल यील्ड करते हैं। अगर हमें मास गिवन तो मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास भी कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ये मैंने आपको मेथड बता दिया क्या करेंगे हम हर क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमें मोलर मास ऑफ CuSO4 फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर का होता है 63.5 और सल्फेट का होता है 32 और ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 एटम्स हैं और यहाँ पर 16, तो इन सब बस आंसर आ रहा है 159.5 ग्राम पर मोल हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसके मोल्स फाइंड करने हैं, मोल्स ऑफ CuSO4 के। तो उसका क्या फार्मूला होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास
एम आर लिख रही हूँ मोलर मास के लिए। तो हमारे पास मास क्या है, मास है 1.274 डिवाइडेड बाय 159.5। तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे इसके, मोल्स ऑफ सी यू एस ओ फोर 7.9874 10^-3 मोल्स। ये मोल्स आ गए। अब हमने उसका सेकेंड स्टेप था कि स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन करनी है, या कंपैरिजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आपको जो आसान लगे। मैं यहाँ पर कंपैरिजन मेथड करूँगी। अब मैं कंपेयर करने लगी हूँ अपने CuSO4 को और कॉपर को, क्योंकि हमें कॉपर ही फाइंड करना है। इसके मोल्स फाइंड करेंगे, इसके यहाँ पर मोल्स फाइंड करेंगे, फिर उससे मास फाइंड करेंगे। मास के बाद थ्रेटिकल यील्ड हमारे पास आ जाएगी। एक्चुअली जो हम मास फाइंड करते हैं वही थ्रेटिकल यील्ड होंगे। इन दोनों का CuSO4 को कंपेयर करेंगे Cu के साथ। तो हमारे पास इधर देखिए, यहाँ पर इसके 1 मोल्स हैं और इसके भी 1 मोल्स हैं। तो हम यहाँ पर 1 मोल्स लिखेंगे, 1 मोल्स डॉट रेशो या 1 मोल्स। और फिर उसके बाद हमारे पास जो हमें फाइंड करना होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और जो नहीं फाइंड करना होता है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 7.9874 10^-3। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके मोल्स भी उतने ही हो जाएंगे, 7. क्योंकि 1:1 है ना, 7.4 10^-3 मोल्स। तो हमारे पास मोल्स ऑफ Cu के मोल्स हमारे पास 7.9874 10^-3 मोल्स आ गए। अब हमने इसका थ्रेटिकल यील्ड फाइंड करनी है, थ्रेटिकल यील्ड किसके इक्वल होगी। मैंने आपको बताया था मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ Cu। तो ये हमारे पास मोल्स ये आ गए। अभी मोल्स हमने फाइंड किए हैं 7.9874 10^-3 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ मोलर मास ऑफ Cu क्या है, 63.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थ्रेटिकल यील्ड आ जाएगी ऑफ कॉपर, थ्रेटिकल यील्ड .507 grams। अब हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए फार्मूला लिख देती हूँ दोबारा से। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्रेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड क्या है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 0.392 डिवाइडेड बाय एक्चुअल यील्ड। हमने अभी थ्रेटिकल यील्ड हमने अभी फाइंड की है 0.57 × 100। तो हमारे यील्ड इज इक्वल टू 77.31% आ गई। ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई। आप चाहें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं रिजल्ट, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा 77%। और फिर इसे ब्लॉक में क्लोज कर दें या हाईलाइट कर दें, ऐसे ब्लॉक बेहतर है हाईलाइट करने से। सो दिस इज़ द आंसर।